हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एस पीडियाट्रिक्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको आज एक ऐसा एक्सरसाइज, जिसे हम कह सकते हैं ये नॉर्मल रूटीन में हम उसे मैक्सिमम लोग करते भी हैं, नो डाउट, दैट इज़ द वॉकिंग। पर डे 30 मिनट की वॉकिंग से आपको कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही क्विक रिव्यू में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लास्ट तक कंप्लीट सुने और विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली शो कर दूंगी कि 30 मिनट्स की वॉक से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। और ये 30 मिनट की वॉक मीन्स अपने लिए 30 मिनट्स तो कोई भी निकाल सकता है, और वॉकिंग मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है वॉक करना। 30 मिनट्स की वॉकिंग के लिए टाइम जो है वो हम सभी निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट फॉर द टॉपिक, मैंने जैसे आपको कहा कि 30 मिनट का वॉक, एक दिन में 30 मिनट का वॉक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो देखिए कितना अच्छा पिक्चर के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्टार्ट विद द, जैसे हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज़ द इंक्रीजेज अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग। सो आपका जो अटेंशन स्पैन है उसको इंक्रीज करेगा, आप अच्छे से अटेंटिव हो पाओगे किन चीज़ों को लेके, कंसंट्रेशन आपकी अच्छी रहेगी, डिसीजन मेकिंग आप अच्छे से कर पाओगे। क्वाइट ऑब्वियस है, जब चीज़ों को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, अटेंशन दे पाएंगे, तो हम उनको अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड वी आर इन अ गुड कंडीशन टू टेक अ वेरी गुड डिसीजन। देन हैव्स रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, अल्जाइमर एक डिजीज़ है, उसका भी जो रिस्क है वो कम होता है विद द पैसेज ऑफ द एज। अल्जाइमर्स डिजीज़ में जो है वो पर्सन का जो है वो थोड़ा मेमोरी लॉस हो जाता है, तो वो चीज़ों को भूलना शुरू होता है, तो वो चीज़ भी इसमें रिजॉल्व हो जाएगी। एंड इम्प्रूव्स ब्लड प्रेशर बाय 5 पॉइंट्स, ठीक है, तो वो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स में, जैसे किसी का भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो 5 पॉइंट्स से डाउन हो जाएगा। Reduces lower back pain, limit colon cancer risk by 40%, very much important, and improves fitness, वो तो quite obvious है, and keeps weight in check, तो इससे हमें अपना वेट का भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ कितना हमारा वेट इंप्रूव हो रहा है, कितना हम उसको कम कर पा रहे हैं। एंड strengthens legs, quads, hips, hamstrings, तो उनको भी strengthen एक provide करता है, and works arms and shoulder muscles, your arm uska work hota hai, and lowers the risk of heart disease ka jo risk hai nowadays increase ho raha hai usko bhi ye kam karta hai, and limits chronic diseases, jitne bhi chronic diseases hain to unko bhi kam karega, and alleviates the depression and fatigue, to nowadays jitna bhi busy schedule hone ki wajah se, lifestyle changes hone ki wajah se individuals jo stress aur depression feel karte hain ya fatigue feel karte hain, un sab cheezon se bhi jo hai wo कुछ एक लेवल तक इसमें जो है वो रिडक्शन होती है। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ 30 मिनट वॉक इन अ डे। सो आई होप ये सुनने के बाद आप सभी जो है वो अपने लिए 30 मिनट्स के वॉक करने के लिए टाइम तो निकालेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैं आज के टॉपिक में आपको बताना चाहती थी। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और ऐसे और भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एस एस पीडियाट्रिक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक